हेलो फ्रेंड्स, रंजीतास किचन में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है चिकन भुना मसाला। तो आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम इसके लिए सबसे पहले लेंगे कढ़ाई में सरसों तेल। इसे हम सरसों तेल से ही बनाएंगे। फिर तेज पत्ता और लाल मिर्च, इन सबको डालकर तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसे भून लेंगे थोड़ी देर। बस इसे थोड़ी देर भूनना है। इसे हम इतना ही बारीक काट कर लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीस को। इन सबको डालकर थोड़ी देर चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और चलाकर थोड़ी देर ढककर इसे पकने देंगे। मसालों में मैंने लिया है अदरक, लहसुन, जीरा, गोलमिर्च और चार छोटी इलायची। इस सब का हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए यह इतना भुना गया। अब इसमें हम डाल देते हैं पिसे हुए मसालों को। फिर डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और मिला देंगे सबको अच्छी तरह। अब हम गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे और बस इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। देखिए यह थोड़ा सा भुना गया है। फिर इसे हम ढककर थोड़ी देर पकने देंगे और बस बीच बीच में चलाते हुए बस भूनना है। गैस का फ्लेम हम एकदम लो और मीडियम के बीच में ही रखेंगे और बस थोड़ा थोड़ा देर पर चलाते हुए इसे भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चिकन मसाला। बस वही प्रोसेस दोहराते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च शानदार कलर के लिए और मिलाकर भून लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से अब यह भुनाना शुरू हो गया है, इससे तेल छोड़ने लगा है। बस लगातार मिला मिलाकर आप चलाते रहें इसे। बहुत ही बढ़िया स्वाद होता है इस तरह से बनाने से इसका। इसे फिर एक बार चला लेंगे जब तक कि मसाला एकदम अच्छी तरह से सूख न जाए। आप एक बार इसे इस तरह से जरूर बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है यह इस तरह से बनाने पर। एकदम अलग ही स्वाद, बहुत ही स्वादिष्ट। देखिए यह अब अच्छी तरह से भुना गया है, एकदम तैयार है यह खाने के लिए। आप इसे गरम गरम चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। यह चिकन भी अच्छी तरह से अब पक गया है। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।